WWE कंपनी के सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट, जो कि WWE कंपनी के चार मेजर प्रीमियम लाइव इवेंट्स में से एक है, इस साल के सर्वाइवर सीरीज की हाइप काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। रीजन हम सभी को पता है, इसके पीछे CM Punk है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे सर्वाइवर सीरीज के टॉप मैचेस के बारे में जिनको फैंस ने काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया है, काफी ज्यादा पसंद किया है। तो कौन से वो 10 मैचेस है, आज की वीडियो के अंदर हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आप सभी रेसलिंग के फैन हो तो आपको ये मैचेस जरूर पता होने चाहिए और इन मैचेस को आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों नंबर 10 पर यहाँ पर जो मैच है वो है यहाँ पर रोमन रेंस की टीम यानी कि टीम रो वर्सेस टीम स्मैकडाउन, जो कि 2016 के अंदर ये मैच हुआ था। और इस मैच के अंदर दोस्तों अगर हम टीम रो की बात करें तो यहाँ पर मेंबर्स से केविन ओन्स, क्रिस जेरिको, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस एंड ब्रॉन स्ट्रोमन, और वही दोस्तों स्मैकडाउन के मेंबर थे यहाँ पर रैंडी ऑर्टन, ब्रे वाइट, एजे स्टाइल्स, शेन मैकमैन एंड डीन एम्ब्रोज। ये मैच दोस्तों इजीली स्पेशल था क्योंकि यहाँ पर हमें शील्ड का रियूनियन भी देखने को मिला था। और ये मैच दोस्तों काफ़ी हाई मैच लेवल था, इस मैच की जो क्वालिटी थी वो काफ़ी हाई लेवल की थी और ये मैच आपको ज़रा सा भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच है वो यहाँ पर पिछले साल का ही वॉर गेम मैच, जहाँ पर दोस्तों WWE कंपनी ने पहली बार सर्वाइवर सीरीज के अंदर वॉर गेम मैच को इंट्रोड्यूस किया था, जहाँ पर हमें टीम ब्लडलाइन देखने को मिली थी। वहीं दोस्तों उनके अपोनेंट में टीम थी ब्रोलिंग रूट्स, केविन ओन्स एंड ड्रू मैकइंटायर। और भाई साहब ये क्या मैच था, इस मैच के अंदर इतने सारे क्लासिक मूव थे और ये मैच तो आपको ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच है वो है यहाँ पर टीम सीना वर्सेस टीम अथॉरिटी का, जहाँ पर जो करियर है वो ऑन द लाइन था दोनों ही टीम्स का। और इस मैच के अंदर हमें स्पेशली जो डॉल्फ ज़िगलर की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इनक्रेडिबल देखने को मिली थी और साथ ही साथ स्टिंग का, द आइकन स्टिंग का हमें डेब्यू भी WWE कंपनी के अंदर देखने को मिला था। ये मैच तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, तो इस मैच को तो आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच है वो यहाँ पर अल्बर्टो डेल रियो वर्सेस रोमन रेंस का सर्वाइवर सीरीज 2015 का, जहाँ पर सेमी टूर्नामेंट के लिए ये मैच था। और भाई साहब इस मैच के अंदर जो परफॉर्मेंस थी अल्बर्टो डेल रियो की और रोमन रेंस की वो काफ़ी हाई लेवल की थी और ये मैच अगर आप देखोगे तो ये मैच आपको ज़रा सा भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच है वो यहाँ पर द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स वर्सेज ब्रॉक लेसनर के बीच में, और काफ़ी सारे फैंस का ये ड्रीम मैच था और सर्वाइवर सीरीज के अंदर ये बड़ा मैच हमें देखने को मिला था। और इस मैच के अंदर जो एजे स्टाइल्स की परफॉर्मेंस थी वो दोस्तों काफ़ी फिनोमिनल थी। इस मैच के अंदर जो मैच की क्वालिटी थी वो ब्रॉक लेसनर और एजे स्टाइल्स ने भरपूर काफ़ी अच्छी डिलीवर करके दी थी। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच था वो है यहाँ पर अल्बर्टो डेल रियो वर्सेस CM Punk सर्वाइवर सीरीज के अंदर WWE चैंपियनशिप के लिए, और इस मैच के अंदर भी जो दोनों ही सुपरस्टार थे उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी कमाल की थी। इस मैच को काफ़ी ज़्यादा हाइप WWE ने किया हुआ था और अल्बर्टो डेल रियो अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे यहाँ पर CM Punk के अगेंस्ट में, और दोनों ही सुपरस्टार को जो सपोर्ट है वो क्राउड की तरफ से काफ़ी अमेजिंग देखने को मिल रहा था। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच है वो है यहाँ पर हेल इन अ सेल मैच सर्वाइवर सीरीज 2007 का, जो कि था बटिस्टा वर्सेज अंडरटेकर के बीच में, और ये भी दोस्तों चैंपियनशिप के लिए मैच था। और भाई साहब इस मैच के अंदर जो ब्रूटल एक्शन हमें देखने को मिला था वो दोस्तों आपको अगर आप इस मैच को चेकआउट करोगे तो आपको याद आएगा कि WWE कंपनी के अंदर हिस्ट्री के अंदर हमें अंडरटेकर और बटिस्टा जैसे जो रेसलर्स हैं उनकी मैचेस की क्वालिटी कैसी देखने को मिलती थी। तो इस मैच को आप जरूर चेकआउट कीजिएगा दोस्तों। इसके बाद जो मैच आता है वो है यहाँ पर ट्रिपल थ्रेड मैच, जो कि था सर्वाइवर सीरीज 2009 का, जॉन सीना वर्सेस शॉन माइकल्स वर्सेस ट्रिपल एच के बीच में। और इस मैच के अंदर जो तीनों ही सुपरस्टार थे उनकी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि मैं उसको वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इस मैच के अंदर जो सीक्वेंस थे वो तीनों ही सुपरस्टार ने अपनी एबिलिटी के जरिए कुछ ऐसे परफॉर्म किए थे जिनको देखकर फैंस वहां पर हक्के बक्के रह गए थे। तो इस मैच को आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच है वो यहाँ पर टीम सीना यानी कि सीना एंड द रॉक एक टीम में थे और यहाँ पर जो अपोनेंट थे वो थे द मीज़ एंड आर ट्रूथ। और ये मैच दोस्तों आपको ज़रूर चेकआउट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जॉन सीना और द रॉक हमें पहली बार एक टैग टीम के अंदर देखने को मिले थे। और ये मैच दोस्तों स्पेशली इसीलिए WWE ने एडवर्टाइज़ किया था और ये सर्वाइवर सीरीज का उस टाइम के अंदर हमें मेन इवेंट देखने को मिला था। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच था वो है हमारा फाइनल मैच, जो कि था रॉक लेसनर वर्सेस गोल्डबर्ग के बीच में। दोस्तों हालांकि इस मैच की जो लेंथ है वो काफ़ी छोटी थी, लेकिन ये मैच दोस्तों 2016 के अंदर इतना ज़्यादा हाइप हुआ था क्योंकि
गोल्डबर्ग इतने लंबे ब्रेक के बाद WWE कंपनी के अंदर वापस आए थे और सीधा ही उन्होंने ब्रोक लेसनर को चैलेंज भी किया था। हालांकि चैलेंज ब्रोक लेसनर किया था, लेकिन चैलेंज को एक्सेप्ट करके गोल्डबर्ग और ब्रोक लेसनर के बीच में ये मैच सेट हुआ था और सर्वाइवर सीरीज के अंदर इस मैच की जो बिल्डअप है वो WWE ने काफी अमेजिंग क्रिएट कर दी थी। तो दोस्तों ये थे 10 ऐसे मैचेस जो कि सर्वाइवर सीरीज की हिस्ट्री के अंदर हमें देखने को मिले हैं और इन मैचेस को आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। और दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो इतनी सी थी। वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा, कमेंट्स के अंदर अपनी राय जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डेली रेसलिंग की वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं दोस्तों अपने के लिए वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।